many of you are believers over here? You believe in Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. We all believe in Jesus. And how many of you know that Jesus died for you? Yes. How many of you know that by the stripes of Jesus you are healed? इतने जन जानते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से तुम्हें चंगाई मिला है. Amen. अगर विश्वास है कि उसके कोड़े खाने से चंगाई मिला है तो अभी तक हम बीमार क्यों है? Hallelujah. हाँ कि नहीं? अगर हमें पता है, अगर हमें पता है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हमें चंगाई मिला है तो अभी तक भी Amen? हम बीमार क्यों है? कितने जन जानना चाहते हैं? Amen? आज भी हम क्यों बीमारी हमें छूता है? Why sicknesses attack us? Amen? Hallelujah. And how many of you have this question in your mind? कितने जन के मन में ये सवाल है कि अगर मैंने उद्धार पाया है, Amen? अगर मैंने यीशु मसीह को स्वीकारा है और उद्धार पाया है और यीशु का लहू से मैं ढकी हुई और ढका हुआ हूँ तो मुझे बीमारी कैसे छू सकती है? कितने जन के मन में ये सवाल है? Amen? अब परमेश्वर ने मुझे अगर बनाया है और रचाया है तो बीमारी मेरे अंदर कैसे आ सकता है? Amen? Hallelujah. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि क्या परमेश्वर हमें बीमारी देता है? Amen? तो बीमारी आज मैं जो प्रचार करने वाली हूँ, Amen? चंगाई के बारे में तो करूंगी, पर बीमारी क्यों हमारे जीवन में आता है? उसका जड़ क्या है? ये सुनो, हम हमेशा बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, पर अगर कोई बीमारी हमारे शरीर में आता है तो उसका वजह क्या है? हमारा शरीर उसका वजह नहीं है. Amen? कितने जन जानना चाहते हैं कि बीमारी क्यों हमारे जीवन में आ सकता है? क्यों हम डायबिटीज से पीड़ित है? क्यों हमें हाई ब्लड प्रेशर होता है? क्यों हमें अर्थराइटिस होता है? या क्यों हमें अस्थमा होता है? या क्यों हमें कैंसर होता है? ऐसा क्यों होता है? Amen? पर वचन कहता है कि हमने उद्धार पाया है. Amen? यीशु मसीह क्रूस पे हमारे लिए मरा. तो आज भी बीमारी हमें क्यों, हम क्यों बीमारी क्यों हम पर आक्रमण करता है? आज भी अगर हम विश्वासी है, Amen? हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, हाँ कि नहीं? Amen? Yes. तो ये सवाल मेरे मन में भी बहुत साल से था. Amen? और जब परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी तब मुझे पता चला कि बीमारी क्यों हमारे जीवन में आता है. और मैं आज आपको उसके बारे में सिखाऊंगी. हम खोलेंगे 3 यूहन्ना 1:2, थर्ड लेटर ऑफ जॉन chapter 1:2. अगर हिंदी में तो कोई हिंदी में पढ़ेगा. ए प्रिया, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे. Amen. भला चंगा रहे. इंग्लिश एनीवन हैज इंग्लिश बाइबल? What it says over here? Okay, can everybody understand English? English आप समझते हैं? Sister, आपको English समझ में आता है? नहीं ना? Okay, मैं हिंदी में बोलूंगी. Okay, तो वचन कहता है यहाँ पे, beloved, I pray that everywhere you may succeed and prosper and be in good health. Okay, I'm reading the amplified version. It says, Behold, I pray that in every way you may succeed and prosper and be in good health. Be in good health physically, just as I know your soul prospers spiritually. Hallelujah. यहाँ पे कह रहा है, इसका ये वचन का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो आपके शारीरिक जीवन में, आपके शरीर में, इवन आपके सेहत में, अगर हम चाहते हैं कि हमें सफलता मिले और अच्छापन मिले और हमें अच्छी सेहत मिले तो आपका प्राण का अच्छा होना बहुत जरूरी है. किस चीज का अच्छा होना जरूरी है? प्राण का. Amen? हमारा प्राण का, that is our soul. Amen? It's very important that our soul should be prosperous. हमारा जो प्राण है, Amen? How many of you know what is soul? Soul का मतलब, प्राण का मतलब क्या है? Amen? बहुत कम जन. Okay?
तो प्राण का मतलब क्या है? बहुत बार हम देखते हैं, हम चंगाई की सभाओं में जाते हैं, आमीन, बहुत बार हम चंगाई की सभाओं में जाते हैं और हम देखते हैं कि लोग चंगे हो गए हैं, पर क्या सब वहां पे चंगे हो गए? बिल्कुल भी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि जब तक तुम्हारा जड़, जो गलत जड़ है, जब तक उस जड़ को तुम उखाड़ोगे नहीं, आमीन, एक पेड़ को काटने से वो पेड़ उगेगा नहीं क्या? उगेगा ना। अगर मैं पेड़ को फिर से काटूं, उगेगा ना। क्यों? क्योंकि अभी भी उसका जड़ मजबूत है। तो हमें क्या करना है? हमें उसे जड़ से उखाड़ना है, उखाड़ना है, हाँ कि नहीं? आमीन। तो चंगाई, जब हम कोई चंगाई की सभा में जाते हैं, आमीन, और हम चंगाई पाते हैं, मैंने देखा है बहुत बार लोग पूरी तरीके से चंगाई नहीं पाते हैं, क्योंकि हर बीमारी, जो हर बीमारी हमारे जीवन में आता है, उदाहरण के तौर पे बहुत लोगों को डिप्रेशन, डिप्रेशन को क्या बोलते हैं, मानसिक रोग, तनाव ना, मानसिक रोग, मानसिक तनाव, ओके, बहुत सारे लोग तनाव में जाते हैं, मानसिक तनाव में जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं डॉक्टर मुझे डिप्रेशन हो रहा है, इमेन, डॉक्टर फिर टैबलेट देंगे, क्या देंगे, दवा देंगे, इमेन, और वो और बदतर होते जाता है, इमेन। कितने लोगों ने देखा ये चीज? मैंने खुद देखा, अनुभव किया ये चीज, इमेन, हालेलुया। और ये जो डिप्रेशन है, ये ऑपरेशन है, ये मानसिक रोग है, ये मन की बीमारी है, आमीन। और जो तुम्हारा मन है वो तुम्हारा प्राण का भाग है। प्राण तीन भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? तीन भागों में। बहुत ध्यान से सुनो, जो हमारा प्राण है वो तीन भागों में बटा हुआ है, आमीन। पहला है अपना, हमारा मन या हमारा सोच, दूसरी बात है हमारी भावना, और तीसरा बात है हमारा इच्छा, आमीन। इन तीनों में अगर कुछ भी गड़बड़ हो गया, आमीन, शैतान हमें, हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है, आमीन। पहली बात हम मन की बात देखेंगे, आमीन, दूसरी अबाउट द माइंड, बिकॉज वी नीड टू बी गेट डिलीवर्ड। अगर हम अपने प्राण में, हमें मुक्ति मिला है, तो हम चंगाई ऐसे पा सकते हैं। इफ वी आर डिलीवर्ड इन आवर सोल, वी कैन गेट हील कंप्लीटली, आमीन। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू गेट हील्ड ऑफ ऑल सिकनेसेस, ऑल सिकनेसेस, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस, दे आर ऑल रिलेटेड टू इमोशंस। जो ब्लड प्रेशर है, जो डायबिटीज है, डायबिटीज तुम्हारा मन से रिलेटेड है, डायबिटीज इज बिकॉज यू डोंट गेट डायबिटीज, इसके लिए नहीं होता है कि तुम मीठा खाते हो, ये गलत बात है, आमीन। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ शक्कर ही नहीं खाते, अभी क्या बोलेगा उनको डायबिटीज हो गया, जो एकदम सॉल्ट नहीं खाते, शुगर नहीं खाते, ऑयल नहीं खाते, और उनको डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, इतना अपने आप को संभालते हैं, आमीन। तो शक्कर खाने से डायबिटीज नहीं होता है। पता है कैसा होता है डायबिटीज? जब हम चिंता करते हैं, माइंड, आमीन, जब हमारे मन में, आमीन, आवर माइंड इज अटैक्ड, व्हेन वी कीप वरिंग 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 वरिंग, आमीन, द ईविल वन, जो शैतान है, जब हम बहुत सोच, जो कितने हैं यहाँ पे जिसको डायबिटीज है, आमीन, सिस्टर यू वरी अलॉट, यस और नो, यू टेक टेंशन ना, सी, जिसको डायबिटीज है, सबसे पहला एक सवाल पूछो, तुम टेंशन लेते हो कि नहीं, तुम्हें मालूम पड़ेगा। और जिसको हाई ब्लड प्रेशर है उसको पूछो, तुम्हें गुस्सा आता है कि नहीं, वो बोलेगा हाँ, उसको हाई ब्लड प्रेशर होगा ही होगा, आमीन, हालेलुया। एवरी सिकनेस, हर एक बीमारी, आमीन, हर एक बीमारी जो है वो तुम्हारे प्राण से जुड़ा हुआ है। यू नो, व्हेन आई वाज प्रेइंग एंड आई सेड लॉर्ड, मैं परमेश्वर से कह रही थी कि परमेश्वर, मैं चाहती हूँ कि जो लोग आए वो पूरी तरीके से चंगाई पाए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए नहीं। वो बीमारी हम देखते हैं, मैं बहुत सारी कलीसिया में पहले गई हूँ और देखी हूँ ये चीज को, अनुभव की, आमीन। कैंसर से ठीक हो गया, फिर से कैंसर आ गया, आमीन। अगर डायबिटीज चला गया, बाद में 1 साल के बाद फिर से डायबिटीज। हमारा परमेश्वर जब चंगाई करता है तो पूरी तरीके से करता है। तो जो प्रचार है उसका, जो प्रचारक है क्या उसका गलती है? बिल्कुल भी नहीं, हाँ कि नहीं, आमीन। तुम्हें अपने प्राण को संभालना है, आमीन। तो तुम्हारा प्राण जो है तीन भागों में बटा हुआ है, पहला तुम्हारा मन, दूसरा तुम्हारे भावना, और तीसरा तुम्हारा इच्छा। योर सोल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, योर माइंड, दैट इट आल्सो कम्स योर थॉट्स, योर इमोशंस एंड योर विल। वी फर्स्ट फोकस ऑन द माइंड, हम मन के बारे में पहले लेंगे। जो हमारा मन है, हालेलुया, हमारा जो मन है वो युद्ध का भूमि है। आवर माइंड इज अ बैटल ग्राउंड, जो हमारा मन है युद्ध भूमि है, आमीन, जहाँ पे हर एक युद्ध होता है, हालेलुया, क्या होता है, हर एक युद्ध होता है, आमीन। हम मसीह में है,
हाँ कि लेकिन फिर हम मसीह में सब है ना, मसीह में हम मसीह में है। तो कितने लोगों को प्रॉब्लम आता है, रोज एक नया नया प्रॉब्लम आता है, आता है कि नहीं? और जैसा प्रॉब्लम आता है सबसे पहला चीज क्या होता है, हम टेंशन लेते हैं, हम चिंता करते हैं, अभी क्या, अब मैं कैसा करूं, मैं क्या करूं। आमीन, हालेलुया, आमीन। अगर हमारे आपके छोटे छोटे बच्चे, आपके बच्चे हैं, और अगर आप उनके छोटे छोटे बच्चे को कभी भी, ये बच्चे को देख, कभी भी बच्चे लोग जो है टेंशन लेंगे क्या, क्यों, मम्मी डैडी है ना। आमीन, क्या बोलेंगे आप बच्चे लोग, पूछो तुम्हें कोई टेंशन है लाइफ में, तो बोले टेंशन का मतलब क्या है, वो बोलो। हाँ कि नहीं, बच्चे लोग क्या बोलेंगे, टेंशन का मतलब क्या होता है वो बोलो। आमीन, टेंशन कौन लेते, मम्मी डैडी लेते, ये सब। हालेलुया, तो हमारा पिता है स्वर्ग में, वो टेंशन लेने वाला है। आमीन, तो हम क्यों टेंशन लेते हैं, हम क्यों चिंता करते हैं, पता है हम क्यों चिंता करते हैं, क्योंकि हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं है। आमीन, हम अपनी युद्ध को खुद लड़ना चाहते हैं। आमीन, और हम जब अपने युद्ध को लड़ते हैं क्या हम जीत सकते हैं। आमीन, when we fight our battles, can we win every, can we win the battle? अंत में क्या होता है, हार हम ही जाते हैं और ऊपर से और प्रॉब्लम आता है, हाँ कि नहीं। आमीन, एक प्रॉब्लम के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम और उसके ऊपर बीमारी, डॉक्टर के पास जाइए, ब्लड प्रेशर हाई है, तुम्हें डायबिटीज हो गया है, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल हाई है, और बहुत सारी दवाई लिखेंगे। आमीन, और उसके ऊपर से बहुत बड़ा बिल, छोटा सा टेंशन हमने लिया, सोचो छोटा सा टेंशन लेके इतना बड़ा चीज हो गया। अगर वही चीज, अगर हम वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया, वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, हमारे अंदर यीशु मसीह का मन है, क्या है, हमारे अंदर यीशु मसीह का मन है, इसका मतलब यीशु मसीह का सोच है। वचन में लिखा है यीशु मसीह इमें नाव में सो रहा था, क्या कर रहा था, यीशु मसीह सो रहा था इमें, और बहुत बड़ा तूफान आया, क्या हो गया, बहुत बड़ा तूफान आया। अभी जो जो पतरस थे, पतरस वहां पे था, याकूब था, योना था, इमें शिष्य, जो चेले यीशु के शिष्य थे या चेले थे, उस नाव में थे। इमें उनको पता है, उन्होंने देखा है जब तूफान आता है, सब देखा है, मुझे लगता है, पर ये जो तूफान आया बहुत भयानक तूफान था। आमीन, क्योंकि वो मछुआरे थे, हर रात को जाके और मछली को पकड़ते थे, तो तूफान आना उनके लिए बहुत ही कोई बड़ा बात नहीं था। आमीन, पर ये जो तूफान था ये बहुत बड़ा तूफान था। हालेलुया, और इतना घबरा गए कि यीशु मसीह को जाके उठाया, और यीशु मसीह क्या कर रहा था, आराम से सो रहा था। आमीन, तो परमेश्वर चाहता है कि जब भी कोई तूफान आए, तुम उसके, आमीन, तुम उसके छाती पे सो जाओ, उसकी उपस्थिति में आराम करो, क्या करो, उसके उपस्थिति में आराम करो। आमीन, जब भी कोई बड़ा प्रॉब्लम आता है ना, जाओ अपने बिस्तर पे सो जाओ। आमीन, हालेलुया, और यीशु को बोले, यीशु मैं अपना ये प्रॉब्लम आपके हाथों में देता हूँ, और तुम टेंशन लेना बंद कर दो। अगर आप चाहते हो कि बीमारी से आप आजाद हो जाए, डिप्रेशन से आप आजाद हो जाए, ऑपरेशन से आजाद हो जाए, आमीन, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत आसानी से डिप्रेशन में जाते हैं, हाँ कि नहीं, बहुत सेकंड में, आमीन, एक सेकंड में ऐसा कुछ, किसी ने कुछ बोला, फिनिश, डिप्रेशन में गए। आमीन, हालेलुया, और हम अपने आप को कहते हैं मसीह में है। हालेलुया, यीशु मसीह आपको कहता है, तुम अपनी लड़ाई मुझे दो। आमीन, तुम अपनी लड़ाई मुझे दो। आमीन, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई को मैं लड़ा, मैं आई विल फाइट एवरी ऑफ योर बैटल। आमीन, एंड आई विल गिव यू विक्ट्री, क्योंकि अगर तुम अपने लड़ाई को लड़ोगे, वचन कहता है कि हमारा लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, क्या कहता है, हमारी जो लड़ाई, हमारी युद्ध जो है वो मांस और लहू से नहीं है, इसने बोला है, उसने बोला है, उसने बोला, आमीन, मांस और लहू से नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई जो है आत्मिक, आमीन, इट्स विद द पावर्स ऑफ डार्कनेस, डेमोनिक, जो शैतानी वातावरण से, वो उससे हमारी लड़ाई है, उससे लड़ो। हालेलुया, जब कोई तुम्हारे विरोध आता है, जब पतरस यीशु मसीह के पास आया और बोला, यीशु मसीह नहीं, जब यीशु ने बोला मैं मरने वाला हूँ, तो पतरस ने बोला नहीं 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 यीशु मसीह, तो हमें छोड़ के किधर नहीं जाओ, तो यीशु मसीह ने क्या बोला, शैतान मेरे पीछे आ, गेट बिहाइंड हिम सैतान, मतलब गेट बिहाइंड हिम, उसके पीछे छोड़ के मेरे पीछे आ, मैं जानता हूँ पतरस नहीं, वो तू है। आमीन, गेट बिहाइंड हिम एंड कम बिहाइंड मी एंड आई विल शो यू प्रॉपर्ली। हालेलुया, हालेलुया,
तू क्या उसकी उसके द्वारा बात कर रहा है? आमीन। तो जब कोई भी हमें उकसाने वाला बात करता है वो इंसान नहीं है, वो शैतान है। कौन है? और हमारी लड़ाई आमीन जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं आमीन, शैतान हमेशा आमीन शैतान जो हमेशा आपके पीछे रहेगा, आपको गुस्सा दिलाने के लिए या आपको तनाव में डालने के लिए या आपको कुछ भी जो आप पहले थे वो चाहता है कि आप पहले जैसे बने। हालेलुया। आपका जो स्वभाव जो है पहले जैसे बने आमीन। अगर आपको मानसिक प्रॉब्लम मतलब आप हमेशा डिप्रेशन में जाते हो आमीन, हमेशा आप ऑपरेशन में जाते हो, आप बहुत चिंता करते हो, तो शैतान वो करता रहेगा आमीन आमीन। जब तक हम यीशु मसीह के पास जाएंगे, और यीशु मसीह ने हमें कल आसने में सिखाया आर्मर ऑफ गॉड आमीन, परमेश्वर का वस्त्र पहनो, हाँ कि नहीं? तो हमें वस्त्र पहनना है आमीन, हेलमेट ऑफ सल्वेशन, उद्धार का टोप। हमारे मन को हमें बचाना है, और कैसे बचाएंगे? जब हम यीशु मसीह के मन को स्वीकार करेंगे, when we say I have the mind of Christ in me, amen? और जब हम यीशु मसीह के बारे में सोचने लगेंगे, जब कोई भी प्रॉब्लम तुम्हारे पास आता है, सबसे पहली चीज टेंशन मत लो, चिंता मत करो, amen? यीशु मसीह ने वचन में ऑलरेडी कहा है, do not worry, क्या कहा? Do not worry। जब भी कोई स्वर्गदूत बाइबल में आया हमेशा पहला बात ये कहा, do not be afraid, fear not, amen? क्योंकि सब जानते हैं स्वर्ग में ये जो इंसान लोग हैं पहली बात तो बहुत डरपोक लोग हैं। हालेलुया। द फर्स्ट थिंग इज दैट यू फियर नॉट, फॉर आई एम विद यू, डू नॉट बी अफ्रेड आमेन। नो योर गॉड आमेन, यू शुड नो इन हु योर गॉड इज। हालेलुया। व्हेन यू नो हु योर गॉड इज यू विल नेवर फियर, नो मैटर व्हाट, इवन इफ यू आर अलोन यू आर स्टिल नॉट अलोन, बिकॉज जीसस सेज आई विल नेवर लीव यू नॉर आई विल फॉरसेक यू आमेन। You are not alone and you will never be alone because Jesus is walking with you. Maybe you can't see him. शायद आप यीशु को देख नहीं सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके साथ नहीं है। Amen? जिस क्षण पे कोई प्रॉब्लम आता है यीशु मसीह आपके करीब खड़ा हुआ है और वो देख रहा है कि अब मेरा बेटा या मेरा बेटी क्या करने वाला है। क्या तुम चिंता करने वाले हो? क्या तुम परेशान हो जाओगे या क्या तुम इस बोझ को यीशु मसीह को दोगे? क्योंकि जब तुम उस बोझ को यीशु मसीह को दोगे, क्षण में ही वो तुम्हारा बोझ मोम के जैसा पिघल जाएगा और तुम अपने आंखों के सामने आमीन विजय को पाओगे। हालेलुया। एंड व्हेन यू स्टॉप वरिंग आमीन, जब तुम एक निर्णय करते हो कि मैं आज के बाद चिंता नहीं करूंगा, मैं आज के बाद डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा, मैं आज के बाद ज्यादा नहीं सोचूंगा आमीन, तो क्या होता है? आज के बाद में कोई स्ट्रेस नहीं होगा, इसका स्ट्रेस, इसका प्रेशर, उसका प्रेशर, प्रेशर लेते लेते हमारा प्रेशर बढ़ जाता है या घटता है आमीन। और क्या होता है? हमारा सेहत पर शैतान आक्रमण करता है आमीन। परमेश्वर ने हमें बनाया है आमीन टू लिव अ सिकनेस फ्री लाइफ। कोई बीमार परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया कि हमारे अंदर बीमारी का पैकेज हो आमीन। परमेश्वर ने बनाया हमें कि हम उसकी आत्मा से भर सके, हालेलुया, और उसके लिए महान महान कार्य कर सके आमीन। हालेलुया। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड अबाउट द माइंड आमीन। हमारा मन जो है वो युद्ध का भूमि है, इट्स अ बैटल ग्राउंड वेयर द इविल वन ट्राइज टू सो थॉट्स। जो शैतान है ना अपने तीर से हमेशा हमेशा शक का बीज नहीं तो चिंता का बीज कुछ ना कुछ उसको फेंकने का बहुत आदत है, इधर उधर इधर उधर। हालेलुया आमीन। सो वी हैव टू गार्ड आवर माइंड, हमें अपने मन को सुरक्षा करना है। कुछ भी जो परमेश्वर का नहीं है आमीन, कोई भी चीज जो परमेश्वर का नहीं है, कोई भी सोच जो परमेश्वर का नहीं है आमीन, कोई भी सोच हो आमीन, कोई भी सोच अगर यीशु मसीह का नहीं है, कोई डर हो या कुछ भी हो, हमें उसे अपने मन में स्वीकारना नहीं है। क्योंकि जब तुम उस बीज को स्वीकार दे जो शैतान का है, तुम उस बीज को नहीं स्वीकार रहे, तुम बीमारी को स्वीकार रहे हो आमीन। एक बीज से फल बनता है और फल के अंदर बहुत सारे बीज होते हैं, हाँ कि नहीं? और एक बीज से बहुत सारे फल भी होते हैं झाड़ में, हाँ कि नहीं? तो अगर तुम एक बीज को स्वीकार कर रहे हो जो शैतान का है, तो सोचो कितना बड़े झाड़ कितना बड़ा झाड़ बनने वाला है और उस झाड़ में कितने बड़े फल होने वाले हैं और हर फल में कितने बीज होने वाले हैं। सोचो, कभी सोचा आपने? कभी सोचा है कि हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, सोचते हो अभी क्या करना है, पैसा नहीं है, अभी महीना हम लोग कैसा इस महीना को चलाएं, एक बीच आ गया और एक बीच मल्टीप्लाई होते जाएगा आमीन। वो जैसे आप सोच रहे हो, आप पानी डाल रहे हो, खाद डाल रहे हो, सब डाल रहे हो और वो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है,
और डिप्रेशन आता है, ऑपरेशन आता है, पागल जैसे करते हैं कभी कभी, हमें कुछ चीजें याद नहीं होता है, हम इसके ऊपर अटैक करते हैं, इससे झगड़ा करते हैं, उससे झगड़ा करते हैं, आमीन। और बहुत सारा चीज हम अपनी शांति को भी खोते हैं। कितने जन ऐसा अनुभव किया अपने जीवन में, ये सुनो समवेयर और द अदर, वी गेट और नो रीजन वी गेट एंग्री ऑन दिस वन और दैट वन, आमीन, बिकॉज़ वी आर सो फ्रस्ट्रेटेड, वी डू नॉट नो व्हाट टू डू, आमीन। सो द बाइबल सेज, वचन कहता है अपने मन को संभालो, अपना मन का सुरक्षित करो, एंड एवरी डे से लॉर्ड आई हैव यू, आई हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, आमीन। प्लक आउट हर एक वो बीज जो आपके अंदर है, उस बीज को, शैतान का बीज को अपने मन से निकालो, आमीन। क्योंकि जब तुम उस बीज को निकालते हो, आमीन, उस झाड़ को तुम उखाड़ते हो, आज शाम को ये मीटिंग खत्म होने के पहले, आमीन, मैं आपको बोल रही हूँ, जैसे हम उन सारे झाड़ों को या बीजों को निकालने वाले हैं, आज के बाद हम आजाद हो जाओगे प्राण में भी और शरीर में भी, आमीन। जब आपका प्राण चंगाई पाएगा, आपका शरीर टोटल चंगाई पाएगा, फिर चाहे वो कैंसर हो, वो ट्यूमर हो, वो फाइब्रॉइड हो, कोई मायने नहीं रखता है, आमीन। हम डायरेक्टली परमेश्वर से ये नहीं बोल सकते कि कैंसर को अभी इस समय ठीक हो जाए, नहीं होगा, क्योंकि जड़ कुछ और ही है। हालेलुया, जो शैतान ना बहुत होशियार है, वो कोई और बीज डालता है और अंडरग्राउंड से ही, आमीन, झाड़ उगाता है और कोई दूसरे जगह से ही, आमीन, वो उगता है, समझ रहे हो, और हम उसके पीछे पड़े जबकि बीज कहाँ और ही उगा रहा है, आमीन। फॉर इट इज कनेक्टेड फ्रॉम आवर सोल टू आवर बॉडी, इट इज कनेक्टेड, हमारा प्राण से शरीर को कनेक्ट किया है, आमीन। और शैतान जो हमारे प्राण को अटैक करके शरीर के द्वारा प्रकट करता है, बीमारी के द्वारा, हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं हमारे भावना में, ओके, कितने लोग ने मन का बात समझा भी, हाउ बी फ्री फ्रॉम योर माइंड, आमीन। अभी दूसरा बात जो है वो भावना है, ओके, आर इमोशंस, आमीन। जो शैतान जो है, आमीन, हमारे भावनाओं के साथ बहुत खेलता है, ये सुनो, आमीन, हालेलुया। कभी भी अगर किसी ने हमें कुछ कहा, सबसे पहला चीज हमें बुरा लगता है, कितने लोगों को बुरा लगता है, आमीन, और सबको बुरा लगता है कि नहीं, कुछ भी किसी ने बोला, आमीन, हमें बुरा लगता है, आमीन। और उसके बाद क्या होता है, हम उस चीज पर सोच, फिर यहाँ से याद कनेक्ट करता है, उसने मेरे को ऐसा क्यों बोला, मैं तो वो मन से नहीं बोली थी ना, उसने क्यों बोला, और वो सोचते और सोचते और सोचते जाते हैं, तो जो इमोशन में है, आमीन, जो यहाँ पे है, फिर वो फिर से यहाँ पे टर्न करता है, हालेलुया। तो यहाँ पे भी एक झाड़ उग रहा है और यहाँ पे भी एक झाड़ उग रहा है, हालेलुया, आमीन। हम ये नहीं सोचते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, तुम्हारा युद्ध तुम्हारे ये लोग तुम्हारे दुश्मनों से नहीं है, बल्कि तुम्हारा दुश्मन है शैतानी ताकतें, आमीन। अगर आपके आपके बहुत बेस्ट फ्रेंड ने या किसी ने भी या बाजू वाले या फैमिली वाले लोग ने अगर तुम्हें कुछ भी कहा है, आमीन, परमेश्वर कहता है क्षमा करो, हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहता है, क्षमा करो। अगर यीशु मसीह आपको क्षमा कर सकता है, क्या हम बहुत क्या हम एकदम पवित्र लोग हैं, आमीन, हम पापी है ना, सब पापी है ना, पर यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया कि नहीं, तो अगर यीशु मसीह ने हमें और आपको क्षमा किया है, तो क्या हम दूसरों को क्षमा नहीं कर सकता है, और उसने हमें इस तरह क्षमा किया कि क्रूस पर मर के, नंगा होके क्रूस पर मर के, आमीन, अपना इतना मार खाया हमारे लिए, आमीन, आमीन, उसने मुकुट पहना, ताज का मुकुट, उसने कांटों का मुकुट पहना, आमीन, हाथों में कीले ठोके गए, पैरों में कीले ठोके गए थे, किसके लिए, तुम्हारे लिए और मेरे लिए, आमीन। अगर हम क्षमा नहीं करेंगे, मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, बाइबल में एक पैराबल है, आमीन, एक पैराबल है और वहां पे लिखा है कि अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो जो शैतान है, आमीन, वो हमें सताने वाले आत्माएं भेजेंगे, टॉर्मेंटर्स बोलते हैं इंग्लिश में, आमीन, वो हमें सताने वाले आत्माएं भेजेंगे, और ये आत्माएं दिन रात, शैतानी आत्माएं दिन रात, आमीन, हमारे मन पर दबाव डालेंगे, क्या करेंगे, दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, हम पागल जैसे हो जाएंगे, पर जिस क्षण, आमीन, अगर तुम किसी अपने दुश्मन को क्षमा नहीं करोगे, तुम्हारा दुश्मन का कुछ नहीं होने वाला है, वो बढ़ने वाला है, आमीन। पर अगर तुम अपने दुश्मन को क्षमा करोगे, आमीन, अगर तुम अपने दुश्मन को क्षमा नहीं करोगे तो तुम प्रॉब्लम में पड़ोगे, आमीन, तुम्हारे साथ, आमीन। वचन में लिखा है, हम देखते हैं कि हे भी हमारे पिता क्या कहता है वचन में, आमीन, इट सेज फॉरगिव मी एज आई, आमीन, प्लीज फॉरगिव मी एज आई फॉरगिव देम,
आमीन। मुझे क्षमा करो जैसे मैं दूसरों को क्षमा करता हूँ। मतलब अगर आप चाहते कि परमेश्वर आपको क्षमा करे तो पहले आप सबको क्षमा कर दो, क्योंकि जब तक हम अपने दुश्मनों को क्षमा नहीं करेंगे तो दीवार बनेगा। और अगर हम सोचते कि यीशु मसीह तुम मुझे चंगा कर, सॉरी ये कभी भी नहीं हो सकता। तुम बेनियन को बोलो या कोई भी बड़ा मैन ऑफ गॉड को बोलो, आमीन, गॉड को भी बोलो, आमीन, कुछ नहीं हो सकता। हाँ कि नहीं, कितना सहमत है मेरे से इस बात पर? आमीन। Until you do not forgive, God will not forgive you, no matter what. Amen. So we have to forgive, no matter what. We have to forgive our enemies. Maybe they are wrong. चाहे वो गलत है, amen. वो गलत है, आप सही है। पर वचन कहता है, वचन के हिसाब से, बाइबल के हिसाब से, हमें अपने दुश्मनों से प्यार करना और प्रेम करना है। और यही मसीह जीवन है। और जब हम, amen, amen, हम बहुत सारे बार कहते हैं कि मैंने क्षमा कर दिया है, क्या? मैंने क्षमा कर दिया है। पर हम सोचते हैं कि नहीं, जब हम याद करते हैं किस तरह उन्होंने हमें दुखाया है, इवन हमें फिर से दर्द होता है। इसका मतलब है ना ही हमने क्षमा किया है और ना ही हम उस चीज के बारे में भूल गए हैं, इवन। क्योंकि जब हम किसको क्षमा करते हैं और भूल जाते हैं, इवन, तो जब याद भी करते तो दर्द नहीं होता है। आखिर नहीं कि उसने हमें ऐसा किया और हम हंस हंस के बोलते हैं, मतलब उसने मुझे ऐसा ऐसा किया था, ऐसा ऐसा मेरे साथ, हम हंस हंस के आनंद से बोलते हैं, दुख से नहीं बोलते। इसका मतलब है कि तुमने क्षमा किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे भावनाओं में हम क्या करते हैं, मतलब अपनी भावनाओं में हमने कचरे का डब्बा बना के रखा है। सोचो आपके घर पे अगर आपने कचरा का डब्बा है, इमें? और कचरा डालते हो, चावल, कल का चावल, तीन दिन का चावल फेंकते हो, फिर मटन फेंकते हो, खाए नहीं उसके, मच्छी का हड्डी फेंकते हो, इमें? और भाजी फेंकते हो, और सब कचरा फेंकते रहते हो, इमें? एक महीने तक उधर ही है, कैसे सुगंध आएगा? सुगंध आएगा कि बदबू आएगा? और रह सकते हो तुम उस घर में अगर तुम्हारा छोटा सा घर है तो क्या होगा? पास अगर हमने विंडो खोल दिया तो सुगंध सब जगह फैलेगा कि नहीं? हालेलुया, बिल्डिंग से निकाल के तुमको ही फेंक देगा सुगंध, हाँ कि नहीं? बोलेगा तुमको झोपड़पट्टी में ही रहने की भी लायक नहीं हो। हालेलुया, हाँ कि नहीं? आमीन। तो सोचो हमने भी हमारे आत्मा, हमारे प्राण को एक डस्टबिन बना के रखा है। इसने मुझे कुछ बोला, फेंक दिया डस्टबिन में। उसने मुझे कुछ बोला, फेंक दिया डस्टबिन में। एक औरत थी, हम उनसे काउंसलिंग कर रहे थे, उसको उसको इतना उसको कल क्या खाया याद नहीं, 1997 में किसने क्या बोला याद है, आमीन। उसका रिकॉर्डिंग हमें एक्चुअली मायाड था, जब भी आती थी काउंसलिंग करे 97-94 से लेके पूरा हमको बता, हम पूरा याद था, अभी भूल गए, वो टाइम हो गया, मिला नहीं उसको। 1997 में मेरा पति ने मुझे ये कहा, 1999 में इसका माने मुझे ये नहीं दिया, आमीन। 2004 में, हालेलुया, इसके भाई ने मेरे मुझे ये बोला, आमीन, हालेलुया। कल क्या खाया याद नहीं, पर 97 का बात याद है। सोचो डस्टबिन का क्या हालत हो गया, घर डस्टबिन बन गया, हाँ कि नहीं? आमीन। हम प्राण डस्टबिन बन गया, तो सोचो कैसा कैसे हो। और बाद में बोलती सिस्टर मुझे प्रे करो, मुझे थायराइड है, हालेलुया, आमीन। जब अगर आपके शरीर में ना कहीं भी फैट है, वो चाहे ट्यूमर हो या फाइब्रॉइड्स हो या कुछ भी हो, इसका मतलब है आपने आपके प्राण को डस्टबिन बना दिया। कचरे डब्बे से बाहर आते आते पूरा घर कचरा से भर गया, हालेलुया। महीने में साल हो गए, इसके लिए थायराइड आता है, इसके लिए ट्यूमर आता है, फाइब्रॉइड्स आता है, सिस्ट आता है, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर हमें कहता है कि अपने डस्टबिन को साफ करो, आमीन। परमेश्वर कहता है डीएमसी को बुलाओ, कुछ भी बुलाओ, पर अपने घर को और अपने डस्टबिन को साफ करो। और कैसे करेंगे कि परमेश्वर इसने मुझे जो भी कहा, जो भी आपको याद है, मैं सब चीज को मैं अपने अंदर से निकालती हूँ और क्षमा करती हूँ। क्योंकि जब आप उन लोगों उन चोटों को रिलीज कर लोगे, मुक्त करोगे, आमीन, और उन लोगों को भी क्षमा करके मुक्त करोगे, सबसे पहले परमेश्वर अपने प्यार से तुम्हें भर देगा। तुम अपनी क्षमता में नहीं कर सकते हो, हाँ कि नहीं? अपनी क्षमता में नहीं कर सकते हो। पर यीशु जब तुम कहते कि परमेश्वर मैं तैयार हूँ, मुझसे होता नहीं ये, पर मैं तैयार हूँ, आमीन, तो यीशु मसीह अपनी पवित्र आत्मा को आपके ऊपर भेजेगा, आमीन, आपके अनुग्रह को भेजेगा,
और जब वो अपने अनुग्रह को भेजेगा तो तुम क्षमा करोगे ही। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारी भावनाओं में आमीन। और हमें रोज परमेश्वर ने, और जब हमें हमारी भावना को हम शुद्ध करते हैं यीशु के लहू के द्वारा, हम अपने भावना का सुरक्षा करते हैं कि कोई भी हमें आके कुछ बोले तो हमें चोट, टू गेट हर्ट इट्स नॉट रॉन्ग, वी आर ह्यूमन, कि नहीं हम चोट को रखना वो गलत बात है। इट्स नॉट रॉन्ग टू बी हर्ट, कोई कुछ आके बोलते हैं हमें दुखता है, आमीन, गलत नहीं है। हम आयरन मैन नहीं है, हालेलुया, वी आर नॉट आयरन मैन, ओके, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी हैव इमोशंस। चोट लगना गलत बात नहीं, पर चोट को रखना वो गलत बात है, हाँ कि नहीं। हम अपने चोटों के साथ बहुत बार उंगली करते हैं, आमीन, और उसके वजह बहुत बड़ा सुराग हो गया है, आमीन। अ बिग गोल, अ बिग गोल इज टेकिंग प्लेस इन अवर सोल, वी हैव अ होल इन अवर सोल, हालेलुया, एंड अ होल हैज टू बी फिल्ड, आमीन, हालेलुया। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड नाउ आवर इमोशंस, आमीन। वी आल्सो गेट एंग्री, आमीन, we get angry, we get irritated, it's part of emotions, amen, it's part of emotions, amen, but we should know jo gussa aata hai hame kuch bhi ho gaya pat karke gussa aata hai, amen, parmeshwar ne hame gussa diya hai par kiske liye, shaitan ke liye, fir vachan kehta hai hamara ladai maas aur love se nahi hai balki yeshu masi ko bhi gussa aaya par kis pe nikala, kiske upar aaya, shaitan ke upar, amen। तो जो गुस्सा आता है हमें, आमीन, तब परमेश्वर भी गुस्सा करता है। ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ो, मालूम पड़ेगा आपको, हालेलुया, आमीन। तो गुस्सा जो आता है सही सही चीज के इस्तेमाल करो, हालेलुया, आमीन। और गुस्सा, वचन कहता है कि गुस्सा को ज्यादा टाइम से टाइम तक रखो मत, आमीन। हम बात ही नहीं करते, आमीन, उसका मुंह आएगी, आमीन, हालेलुया, आमीन। डू नॉट कीप एंगर, अपने अपने गुस्से को घर मत बनाओ, आमीन, क्योंकि अगर तुम गुस्से को घर में बनाते हो तो तुम्हारा घर नाश हो जाएगा। कितने लोग चाहते हैं कि तुम्हारा घर नाश हो जाए? बिल्कुल नहीं ना। फिर हम देखेंगे प्रॉब्लम्स होते हुए हमारे, जो इंसान को गुस्सा बहुत आता है ना, उनको पूछो उनके कितने दोस्त है, जो बहुत टाइम तक गुस्सा रखते हैं, बार बार गुस्सा आता है, उनको पूछो कितने उनके दोस्त है और सच्चे मित्र है, हालेलुया, हाँ कि नहीं। जो लोग गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, इतना कि काबू में रहते हैं, उनके पास एक भी दोस्त नहीं रहेगा। अगर और जिसको गुस्सा आते हैं उनके पास पैसा नहीं रहता। देखो आप, मैं बोलती हूँ, इफ यू आर अ पर्सन एंड इफ यू आर एंग्री, यू विल नेवर हैव मनी, यू नो व्हाई, बिकॉज द स्पिरिट ऑफ एंगर, जो आत्मा गुस्से का आत्मा है ना, अपना पैसा को खाता है, भुक्कड़ के जैसा आपके पैसे को खाता है वो, आमीन। टू थिंग्स दैट विल रॉब यू ऑफ योर मनी, टू स्पिरिट्स, वन इज स्पिरिट ऑफ एंगर एंड द अदर द स्पिरिट ऑफ फियर। कितने लोग डरते कभी कभी, अच्छा ना, कैसे डरते, आमीन। गॉड इज गोइंग टू डिलीवर यू, परमेश्वर आपको आजाद करने वाला है। जो डर का आत्मा और गुस्से का आत्मा अगर आपके पास है, आपके हाथ में शायद अगर पैसे आए भी तो आए रहेंगे नहीं, आमीन, वो आपके हाथ से छूट के चले जाएंगे, क्योंकि ये जो गुस्सा और डर का आत्मा, ये भुक्कड़ आत्मा है पैसों के लिए, पैसे को खाते, आपके पैसे को खा जाते हैं, हालेलुया, हालेलुया। एंड एज लॉन्ग एज द स्पिरिट इज ओवर योर लाइफ डोमिनेटिंग, वो आपके अंदर नहीं है पर आपको वो कंट्रोल करते हैं, आमीन, कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं, और जब तक ये नियंत्रण करते हैं आपको, आप आपके आशीष को खो रहे हो। तो आपको इस आत्मा को, गुस्से और डर की आत्मा को क्या करना है, अब निकलना है। और इसकी वजह से, गुस्सा और गुस्सा की आत्मा की वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, इवन डायबिटीज भी होता है, और डर की आत्मा से आपको लो ब्लड प्रेशर होता है, आमीन। डॉक्टर सोचते, डॉक्टर बोलते कि ये जो लो बीपी होते हैं तो खाना खाओ, आमीन, तुम कितना भी खाना, मैं पहला लो, मुझे लो ब्लड प्रेशर होता था, और डॉक्टर बोलते खाना खाओ, कितना खाओ, बढ़ रही हूँ मैं साइड में, आमीन, खाओ खाओ खाओ, उसके बाद भी प्रेशर लो ही हो रहा है, और लो होता है, क्यों होता है, लो डर रहा है, इनसिक्योरिटी, डर, आमीन। तेरे डॉक्टर बोलता है, आमीन, कि डरना मत, डर अपने अध्यक्ष से डर निकालो, टेंशन निकालो, ये नहीं, बस खाते जाओ, हालेलुया, हालेलुया। एक जोक बताऊंगी आपको मेरे डैडी के बारे में। बीच में कुछ महीने पहले ऐसा हो गया था कि मैं कुछ देख रही थी कंप्यूटर में, कुछ देख रही थी, और अचानक ना सब कुछ हिलने लगा, सब कुछ हिलने लगा, तो मैं अपने डैडी को बोली, डैडी मैं हिल रही हूँ, तो डैडी ने क्या किया,
डैड ने कुछ जूस लाया, इलेक्ट्रिक जूस कुछ लाया और बिस्किट ला रहा खा खा, मोनाको का बिस्किट लाया और इलेक्ट्रिक जूस ला और बोला बिस्किट खा और जूस पी, बिस्किट खा, मैं खाती हूँ, बल्ले बल्ले बल्ले, बाद में माना पड़ा वो अर्थक्वेक था, भूकंप आया था, हालेलुया, वो भूकंप का झटका आया था, हालेलुया, और मैं डर में खा और डर में खाती गई, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, तो ऐसे हमारे जीवन में होता है, आमेन, हालेलुया, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते डॉक्टर मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, डॉक्टर बोलेगा तुम नहीं तुम्हें कि तुम्हें गुस्सा है, हमें तुम गुस्सा मत करते हो, बोले तुम क्या खाते हो, अभी तुमने दो दिन पहले शायद शादी था घर पे, मैंने चिकन फ्राई खाया, मतलब सच्चे ढंग से तुमने बताया डॉक्टर को, हमें मैं बिरयानी खाया, चिकन बटर चिकन खाया, ये चाइनीज, अरे तुम और मैंने और तुमने शेजवान सॉस खाया उसमें नमक ज्यादा रहता, हाँ खाया डॉक्टर, हाँ इसके लिए तुम्हें हार्ट ब्लड प्रेशर हो गया, फिनिश, हालेलुया, डॉक्टर ये नहीं बोलेगा कि तुम्हारे अंदर गुस्सा है इसके वजह से तुम्हें हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, हालेलुया, कितने जन समझ रहे हैं, हम अपनी वो अंडरस्टैंडिंग, हालेलुया, गुस्सा, जब हम गुस्सा करते हैं, शायद वो शॉर्ट टेम्पर गुस्सा हो, एक सेकंड का गुस्सा हो या दस घंटे का गुस्सा हो, गुस्सा गुस्सा होता है, हम कि नहीं, आमेन, हालेलुया, एंड बिकॉज ऑफ एंगर और गुस्से की वजह से, आमेन, वी ऑल्सो हैव हार्ट प्रॉब्लम्स, हमें दिल का बीमारी होता है, आमेन, फॉर एग्जाम्पल हार्ट अटैक, आमेन, बिकॉज ऑफ दैट यू गेट हार्ट अटैक, स्ट्रोक, एनीथिंग, इवन स्ट्रोक, ओनली बिकॉज ऑफ गुस्सा, इवन गुस्से की वजह से हमें हार्ट का प्रॉब्लम होता है, दिल का प्रॉब्लम हो सकता है, व्हेन वी आर इमोशनली वेरी वीक, जब हम बहुत जल्दी हमें दुख होता है, यू कैन गेट अ होल इन योर हार्ट, मेरी एक फ्रेंड की बहन है, इतनी बड़ी हो गई उसके, तब उसको खोल हो गया हार्ट में, और जब मैंने बात की उसके साथ मुझे मालूम पड़ा हर चीज के लिए उसे हर्ट होता ही नहीं, वो रखती है, वो रख के बड़ा होल हो गया उसके हार्ट में, हालेलुया, हालेलुया, बहुत बार ऐसे होते हैं जो बच्चे जो जन्म होते हैं उनके हार्ट में भी होल है, और जब मैं प्रभु को पूछ रही थी कि ऐसा क्यों है, तो मालूम पड़ा कि जो माता होता है, जो मम्मी होते हैं उनके, वो उनको ये बीमारी होता है, हर्ट को रखना दिल में, क्या होता है, चोट को अपने दिल में रखना, और उसकी वजह से बच्चे को क्या होता है, होल इन द हार्ट, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो गया था, आई वाज बोर्न विद अ होल इन द हार्ट, हालेलुया, सो आई नो अबाउट इट, हालेलुया, आमेन, तो ऐसा होता है, तो क्या आप जानते हैं ये सब चीज के बारे में, आर यू लर्निंग समथिंग, कुछ सीख रहे हो आप लोग, आमेन, तो हमारे भावनाओं में, आमेन, तो हमारे भावना में हम बहुत सारी चीजों को ऐसे रखते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, बीमारी होती है, और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, आमेन, डॉक्टर हमें देता है ब्लड प्रेशर का टैबलेट, बाद में 6 महीने के बाद बोलता है तुम किडनी स्टोन का भी जरा चेक करो, क्यों, टैबलेट खाते हो, पानी थोड़ी इतना पीते हो, तुम ठंडी में तुम पानी पियोगे क्या, थोड़ा ही ना, ज्यादा नहीं, तो क्या होता है, स्टोन आ गया, अभी स्टोन के ऊपर से वैसे चालू कर दिया हुआ, एक किडनी से दूसरे किडनी में और स्टोन हो गया, पर उसका रूट क्या है, हालेलुया, व्हाट इज द जड़, व्हाट इज द रूट, उसका जड़ क्या है, आमेन, हालेलुया, हमें डायबिटीज होता है, आमेन, बहुत सारे लोग हम देखते हैं घर में एक तो डायबिटीज है ही है, आमेन, एक घर को छोड़ के दूसरे घर में डायबिटीज यही है, आमेन, बोलते हैं कि तुम्हारे जनरेशन से आ रहा, ये सही है, एकदम सही है, आमेन, तुम्हारे बाप को था, उसके बाप को था, उसकी बाप को था, हाँ क्यों, वो डायबिटीज नहीं आ रहा है, वो चिंता आ रहा है, आमेन, 2 × 2 = 4, 4 × 4 ऐसा मल्टीप्लाई होके आ रहा है, हालेलुया, वो चिंता की आग वहां बढ़ते 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 आ रहा है और अब तुम तक आ रहा है, अब तुम्हारे ऊपर है, तुम उस चिंता की आत्मा के साथ क्या करो, द प्रॉब्लम पीपल हैव डायबिटीज इज बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग, जीसस सेड डू नॉट वरी, डायबिटीज का इलाज है डू नॉट वरी, तुम डायबिटीज से चंगा होना चाहते हो, स्टॉप वरिंग एंड बिकम हैप्पी, जस्ट बी हैप्पी, खुश रहो, आमेन, जीसस सेड रिजॉइस एंड अगेन आई से रिजॉइस, हालेलुया, सब दवा वचन के अंदर है, ऑल द मेडिसिंस आर इन द वर्ड ऑफ गॉड, यू हैव डायबिटीज, इफ यू डोंट हैव फेथ प्लीज कीप टेकिंग अ टेक अ मेडिसिन, आई एम नॉट सेइंग नो, बट ओनली डू वन थिंग, कीप रिजॉइसिंग, टेक द मेडिसिन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड आल्सो, हालेलुया, जस्ट रिजॉइस इन द लॉर्ड, आमेन, जस्ट बी वेरी हैप्पी, आमेन, जस्ट सिंग, जस्ट डांस, आई एम टेलिंग यू डू इट, यू वांट टू बी, यू नो डायबिटीज, आमेन, डू वन थिंग, जस्ट बिगिन टू रिजॉइस इन द लॉर्ड, बी हैप्पी ऑलवेज,
Amen. Even if you go to funeral service, just laugh. It's okay. Amen. All people that are having diabetes will get healed over there. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says rejoice, and again I say rejoice. Amen. वचन कहता है अगर तुम चाहते हो डायबिटीज के लिए कौन सा दवा से तुम चंगा हो जाओगे तो वचन कहता है आनंदित हो करो आनंदित हो और फिर से मैं कहता हूँ आनंदित हो एवं जब हम आनंदित और आनंदित होते रहते हैं हालेलुया जो डायबिटीज की आत्मा हो एक आत्मा है डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है वो एक आत्मा है शैतानी आत्मा है एवं इट्स नॉट अ सिकनेस Because it doesn't have medicine. Doctor will tell you take this medicine, but nothing will happen. You won't get healed. Is there a cure for diabetes? No. Is there a cure for HIV/AIDS? No. Amen. Is there a cure for tumor? Not at all. Amen. They will remove it. Amen. They will operate it. Amen. But there is no cure. They won't say you take this and it will become, you know, oh, hamesha ke liye chala jayega. No. There is no cure. HIV is a demon. Amen. Diabetes is a demon. Hallelujah. High blood pressure is a demon. वो शैतान है. Amen. Hallelujah. How many of you are understanding? Hallelujah. They are spirits. Amen. And we need to understand. The day we understand that every disease is come with a spirit. अरे जो बीमारी जो है वो एक या पीड़ा जो है वो एक शैतान शैतानी आत्मा ने हमें वो डाला है. Amen. And medicines are not going to cure it. Hallelujah. Medicines are not going to cure diabetes. Even the doctor says, you tell him, ask him, पूछो डॉक्टर को अगर मैं ये दवा लूंगा क्या मेरा डायबिटीज हमेशा के लिए चलाए होगा वो खुद बोलेगा नॉट एट ऑल इट कंट्रोल वो कंट्रोल नहीं किसको मतलब डायबिटीज है ना और आपको पता है जब डायबिटीज आपको जब डायबिटीज होता है तो क्या होता है आपका पहला लीवर पे असर हो जाएगा एवरी ऑर्गन इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी योर हार्ट योर लिवर एमन योर किडनीज ये स्पेशली दीज ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी ये जो आपके भाग है एवन ये कमजोर होते रहते हैं कमजोर होते रहते एंड यूर डाइंग स्लोली इट्स अ स्लो डेथ हालेलुया हालेलुया एंड व्हेन योर डायबिटीज एंड व्हेन द स्पिरिट ऑफ डायबिटीज एवन इट स्टार्ट्स अटैकिंग योर बॉडी इट इनवाइट्स अ स्पिरिट एंड दैट इज कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ डेथ हालेलुया आराम से मारेगा आपको आराम से मारेगा क्यों क्योंकि आप चिंता करते रहते हो एक चिंता पे और एक चिंता पे और अपने पूरा एक पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया हालेलुया जिंदगी में हमने कुछ किया नहीं पर अपने मन किया और हमने अपने आप के शरीर को हमने वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर बॉडी नॉट बिकॉज वी ईट शुगर और समथिंग बट बिकॉज वी आर वरी जीसस ऑलरेडी सेड इन द वर्ड ऑफ गॉड यीशु जानता था हमारा प्रॉब्लम एक ही है क्या चिंता Amen. When you worry, will you get money? Never worry. Yes or no? अगर चिंता करके पैसा मिलेगा तो प्लीज चिंता करो बिंदास करो पर जो है वो भी जा रहा है कि नहीं Yes or no? जो है वो भी जा रहा है Amen. तो क्यों चिंता कर रहे हैं हम Hallelujah. Hallelujah. Another reason is when we do not forgive people. हम लोगों को बांध के रखते जब हम किसी को क्षमा नहीं करते हम उनको बांध के रखते हैं और जो शैतान जो है ना हमारी बीच को गिराता है he drops. Amen? आपने कितने जगह सुना मिसकैरेज होता है मिसकैरेज मेनी मिसकैरेज I have counseled such women who are having miscarriages and we have seen God healing their wounds. Amen? And we have prophesied over many people, many women that they are going to bear a child. Hallelujah. So, if you are living in unforgiveness, अगर तुम किसी को क्षमा नहीं कर रहे हो Amen. उसे जब हम क्षमा नहीं करते हम उस इंसान को अपने तक पकड़े हुए Amen. उसका गला को पकड़ा हुआ है ना हम उसे छोड़ते हैं ना हम खुद छूटते हैं Amen. और उसके वजह से हम बंधन में रहते हैं Amen. और शैतान हमारा सब एक चीज को गिराता रहता है He aborts every of our blessing. हर एक आशीष को गिराता है फिर वो बच्चा हो या पैसा हो या कोई भी आशीष हो जो आशीष आता है गिरते रहता है और हम सोचते आते आते हमने देखा है हाथ पे रखा भी और छू हो गया Amen. मैंने हमने खुद देखा है ऐसा हमने खुद लोगों को काउंसलिंग किया हमने खुद लोगों को ऐसे कहते हुए देखा हाथ में आए और चला गया Amen. क्रेडिट कार्ड हाथ में आए और चला गया अप्रूव होके चला गया हालेलुया आशीष हाथ में आए और चला गया हालेलुया Amen. Why? Q?
because of worry, stress, thoughts, unforgiveness. Amen. How many have understood about the mind and the emotions now? Amen. How many want to make your mind and your emotion a garbage? कितने जन अपने मन को और अपने भावना को कचरे का डब्बा बनाना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और तीसरा चीज है जो हमारे प्राण का है, वो हमारा इच्छा है। क्या है इच्छा? जब परमेश्वर ने हमें बनाया, उसने हमें इच्छा दिया है। ओके, इट गिव अस अ विल। परमेश्वर ने हमें इच्छा दिया है, पर परमेश्वर का भी इच्छा, और उस इच्छा को कहते हैं परमेश्वर का सिद्ध इच्छा। क्या कहते हैं? परमेश्वर का सिद्ध इच्छा। आमीन। क्या तुम तुम्हारे कल को जानते हो? नहीं जानते हो। क्या तुम जानते हो किस मार्ग पे तुम चल रहे हो? नहीं। ये मार्ग तुम्हें कहाँ लेके जाने वाला, तुम कहाँ लेके जाने वाला है तुम जानते हो? बिल्कुल भी नहीं। आमीन। पर क्या परमेश्वर जानते हैं तुम्हारे तुम्हारे कल को, तुम्हारे भविष्य को? आमीन। हालेलुया। ही नोज योर एंड एंड ही नोज योर बिगनिंग। यस और नो? वो तुम्हारा शुरुआत और तुम्हारे अंत को जानता है। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें बनाया है। हालेलुया। तो कितने स्मार्ट लोग हैं यहाँ पे। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने मार्ग पे चलना है, अपनी इच्छा पे चलना है या परमेश्वर की इच्छा पे? आमेन। हालेलुया। पर हम क्या करते हैं? परमेश्वर के स्मार्ट है, और स्मार्ट। हालेलुया। इसके लिए आज हम यहाँ पे एग्जाम है। क्यों हम? क्योंकि आज तक हमने परमेश्वर का कभी इच्छा में चला नहीं, इसके लिए हमारा जीवन आज। आमेन। वचन के हिसाब से हमें अब्राहम, इसहाक और याकूब इसराइल का आशीष मिलना है, हाँ कि नहीं? कितने जन को है याकूब का, अब्राहम का आशीष? याकूब और इसराइल, इसहाक और याकूब को छोड़ो, अगर अब्राहम का भी आशीष अगर मिला तो बहुत बड़ी बात है। हालेलुया, आमीन। हमें अंबानी का भी आशीष नहीं मिला है? हालेलुया, हाँ कि नहीं? अब्राहम, इसहाक और इसराइल का छोड़ो, याकूब इसराइल का, हमें अंबानी का भी आशीष नहीं मिला, ना ही बिरला का आशीष मिला है। हालेलुया। सोचो दुनिया के लोग कितने अमीर है, उनको तो कभी टेंशन ही नहीं होता। पार्टी के बाद इधर जाते उधर जाते, उनका टेंशन ये रहते है कि पैसे को खर्च कैसे करें। हालेलुया, ये अलग टेंशन है उनका, और हमारा टेंशन ये है कि कल कैसा दिन निकालेंगे हम लोग, इतने में इतना कैसा निकालेंगे, हाँ कि नहीं? ये सब हो। आमीन। हालेलुया। पर वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर, जब हमारा प्राण सफल होगा, आमीन, तब ये भी मिलेगा और ये भी ठीक हो जाएगा, पैसे में भी सफलता और शरीर में भी सफलता हम पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने जन निर्णय कर दे आज के बाद? पर आपको पता है परमेश्वर ने हम एक आत्मा है, हाँ के हैं? हम एक आत्मा है और हमें परमेश्वर ने एक प्राण दिया है, जिसे कहते हैं भावना और मन, भावना और इच्छा। आमीन। और रहने के लिए ये शरीर दिया है। हालेलुया। रहने के लिए ये शरीर दिया है। तो परमेश्वर ने अगर हमें हमें प्राण दिया है तो क्यों दिया है? हम खोलेंगे व्यवस्था विवरण, लास्ट वर्स देखेंगे, 6:5 व्यवस्था विवरण, ड्यूटोनॉमी 6:5। How many of you are understanding what I'm telling? Amen. आप समझ रहे हैं? तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। Amen. Hallelujah. Amen. Yes. With all thy heart, अपने दिल से प्रेम करो, अपने मन से प्रेम करो और अपने प्राण से प्रेम करो। तो परमेश्वर ने हमें प्राण और मन क्यों दिया? मन प्राण का ही भाग है, जो हमारा मन है वो प्राण का भाग है। तो परमेश्वर ने हमें प्राण क्यों दिया? प्रेम करने के लिए परमेश्वर को। पर हम किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे? अपने ही चीजों के लिए, हमें हमें प्रसन्न करने के लिए। आमीन। हम अपने प्राण को हमारे हिसाब से चला रहे हैं, जबकि परमेश्वर ने हमें प्राण दिया है उससे प्रेम करने के लिए। लव द लॉर्ड योर गॉड, अपने परमेश्वर से प्रेम करो, पूरे दिल से, पूरे प्राण से, पूरे मन से। हालेलुया, आमीन। जब हम अपने प्राण को हमारे लिए यूज करते, इस्तेमाल करते हैं, क्या परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं उसके द्वारा, हमारे प्राण के द्वारा? पर बिल्कुल भी नहीं। और जब वो चीज उस भाग में, आमीन, वो भाग से परमेश्वर को प्रेम नहीं करते तो किससे प्रेम करते हैं? सोचो, शैतान को, शैतान को। आमीन। You can love two things, right? और दो चीज, एक काला और सफेद है, स्वर्ग और
नरक है, यस और नो? उसी तरह तुम अगर तुम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते अपने प्राण के द्वारा, तो तुम किसे प्रेम कर रहे हो? शैतान को। जब तुम अपने प्राण के द्वारा परमेश्वर को प्रेम करोगे, आपके मन से परमेश्वर को प्रेम करोगे, अपने भावनाओं से परमेश्वर को प्रेम करोगे और अपनी इच्छा के द्वारा तुम परमेश्वर को प्रेम करोगे, तो तुम्हारा शरीर में कोई बीमारी कभी आ नहीं सकती है। नो सिकनेसेस कैन टच योर बॉडी। पहली बात, जब तुम अपने मन से परमेश्वर को प्रेम करोगे, जब तुम अपने भावनाओं से परमेश्वर को प्रेम करोगे और अपनी इच्छा से परमेश्वर को प्रेम करोगे, आप कहोगे परमेश्वर जो तू कहे वो मैं करूंगा, जब तुम ऐसा कहोगे तब तुम अपने भावना में कोई चोट आने नहीं दोगे, तब तुम्हें तुम अंबानी का बाप बनोगे, बिरला के बाप बनोगे। यहाँ पर टॉप मोस्ट जो पूरा संसार है उसकी तुम बाप बनोगे, क्योंकि तुम्हारा बाप धरती का मालिक है। हालेलुया। और हम भिखारी की जिंदगी जी रहे, क्यों? क्योंकि हम अपने प्राण और अपने मन और दिल को किससे प्रेम करते हैं? शैतान को। Unknowingly, नहीं जानते हुए, इसलिए तो वो हमारे ऊपर हुकूमत कर रहा है, हाँ कि नहीं? इसलिए तो हमारे जीवन में बीमारी है, क्लेश है। Amen? Hallelujah. क्या हमारे बैंक अकाउंट में एक साल में भी 1 करोड़ आता है क्या? 1 करोड़ साल में, चलो महीना का छोड़ो, 3 महीना, एक साल में नहीं ना? Amen? Hallelujah. अंबानी हर महीना 1 करोड़ का ऊपर छापता है, मैं तो मिनिमम बेसिक बोल रही हूँ, मेरी वो शॉपिंग के लिए 1 करोड़ हो नहीं सकते, हाँ कि नहीं? वो भी हो नहीं सकते, 1 करोड़ शॉपिंग के लिए सिर्फ। आमीन। सोचो, वो भी मिनिमम बोल रही मैं, 1 करोड़। तो सोचो, एक साल में भी हम 1 करोड़ जमा नहीं कर सकते। हालेलुया। और हमारा वचन क्या है? द अर्थ इज द लॉर्ड्स। ये जो संसार है, जो भूमंडल है, ये किसका है? परमेश्वर का है। हम उस परमेश्वर को पूछते हैं। हालेलुया। आपको पता है शैतान ने कलीसिया से, परमेश्वर के लोगों से पैसा छीना है। कैसा कैसा छीना उसने? हमारे प्राण पर हुकूमत करके, राज करके। आमीन। हमें बेवकूफ बना के। आमीन। हालेलुया। क्योंकि शैतान बहुत चतुर है, हमेशा याद रखना ये चीज। आमीन। परमेश्वर बुद्धिमान है, पर शैतान जो है ना बहुत चतुर है, वो जानता है। जब उसने ईदन के बगीचे में हवा को फंसा सकता है, और वचन कहता है कि आदम परमेश्वर के साथ चला। आमीन। पति-पत्नी दोनों परमेश्वर के साथ चले। आमीन। और ऐसे में आत्मा में नहीं, सच में परमेश्वर, शारीरिक में परमेश्वर उनके साथ था और वो चला। अगर उनको फंसा सकता है तो आप हम क्या चीज है? हमने अब तक परमेश्वर को शारीरिक में देखी नहीं, अभी नहीं। हालेलुया। तो सोचो शैतान कितना चतुर है। आमीन। शैतान चाहता है कि परमेश्वर के लोग गरीब हो। आमीन। पर आज के बाद कितने रोते हैं? आमीन। कितने निर्णय लेते हैं कि आज के बाद? आमीन। आमीन। मैं शैतान को, मेरे मन को, मेरी भावना को और इच्छाओं को छूने नहीं दूंगी। आमीन। अब तक तो उसने मेरे साथ लोग खेल खेला, पर आज के बाद नहीं। हालेलुया। क्योंकि जब आप निर्णय करते हो, ये कहते हो कि मेरा मन, आमीन, माय माइंड इज द माइंड ऑफ क्राइस्ट, मेरे भावना जो है यीशु के लिए बने, तो मैं यीशु के लिए ही भावनाओं को इस्तेमाल करूंगी। आमीन। मेरे जो इच्छा है वो यीशु के लिए बने, तो मैं अपनी इच्छा को त्याग कर, क्योंकि मैं परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानती हूँ। मेरा ये इच्छा मुझे कहाँ लेके जाने वाला है मैं नहीं जानती हूँ। तो यीशु मसीह, आपका इच्छा जैसे स्वर्ग में है, वैसे ही मेरे जीवन में पूरी हो जाए। और जब तुम परमेश्वर की इच्छा में चलते हो, तो आशीष ही आशीष और उभरता हुआ आशीष आपके जीवन में आएगा। आशीष भाग भाग एड्रेस ढूंढेगा, कहाँ रहता है ब्रदर संजय? हालेलुया। आपके लिए बड़ा बड़ा बंगला रखा है। हालेलुया ब्रदर संजय, बहुत बड़ा बंगला आपके पीछे आ रहा है, ढूंढ रहा है। पर कब होगा? जब हम अपना मन को मसीह का मन में बनाएंगे, हमारे भावनाओं को मसीह की भावनाओं के साथ करेंगे। आमीन। और हमारी इच्छाओं को यीशु की इच्छा में लाके, यीशु की इच्छा में चलेंगे। आमीन। हालेलुया। तो हम सब खड़े रहेंगे इस समय, प्रार्थना करेंगे।